दोस्तों ये है अगारो रैपिड वेट एंड ट्राय था लेना हाय फ्रेंड्स दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड आज हम डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं अगर वो रैपिड 1000 थाउजेंड वाट वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर का अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेलाइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो फ्रेंड लेट गेट स्टार्टेड तो फ्रेंड्स ये वैक्यूम क्लीनर में पावर के साथ साथ आपको ब्लोअर वो सिक्सटीन पॉइंट फाइव के पी ए का है तो कंपनी ये वैक्यूम क्लीनर के ऊपर आपको वन ईयर का वारंटी देता है ये आपको एमेजन डॉट इन में मिल जाता है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूं वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्विकली चलते हैं प्रोडक्ट के पास तो फ्रेंड्स बॉक्स के अंदर आपको इतना सारा सामान मिलता है सभी में बाहर निकाल दिया हूँ तो ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है ऊपर जो ब्लैक आप देख सकते हैं ब्लैक के जो एरिया है ये मोटर सेक्शन है और नीचे का जो एरिया है वो बकेट है तो इसके नीचे आपको व्हील लगाने के लिए प्रोविजन मिलता है जैसे ये जगह में आप व्हील लगा सकते हैं तो कंपनी यहाँ पे चार व्हील आपको प्रोवाइड करता है तो मैं व्हील लगा के आपको दिखा देता हूँ तो जैसे ही इसमें व्हील लग जाता है तो आराम से आप इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं एंड सेकेंड आपको इसमें फाइव मीटर का वेयर मिलता है विथ थ्री पिन तो ये कुछ ब्रशेस है जैसे आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ये एक ब्रश है जो कि आप इसको वेट एंड ड्राई ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ रबर दिया गया है ऊपर ब्रश तो ये तीन एक्सटेंशन पाइप है ये तीनों को आप ऐसे कर सकते हैं तो ये तीनों पाइप को कर देने से ये काफी लंबा हो जाता है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक या दो पाइप को भी यूज कर सकते हैं जैसे कुछ ऊपर का एरिया रहता है वो जगह में अगर आपको वैक्यूम करना है या ब्लोअर को यूज करना है तो उस जगह में आप ये एक्सटेंशन पाइप को यूज कर सकते हैं तो ये उसका हॉस पाइप है तो ये हॉस पाइप में आपको ये जगह में इसको ऐसे लगाना है उसके आगे आप कोई भी ब्रश वगैरह लगा सकते हैं जैसे मैं ये जगह में लगा के आपको दिखा देता हूँ तो ये जगह में आप ब्रश को लगा सकते हैं एंड ये ब्रश जो है ये सभी एंगल में मूव होता है जैसे आप देख सकते हैं ये सभी एंगल में मूव होता है तो ये हॉस पाइप को आप ब्लोअर के लिए भी यूज कर सकते हैं या अगर आप कुछ सक्शन करते हैं कुछ वैक्यूम करना चाहते हैं तो वो टाइम में भी आप यूज कर सकते हैं तो ये जगह में अगर लोगो है तो उसके नीचे आप देख सकते हैं जो पॉकेट सेक्शन में है तो ये जगह में एक होल है एंड इसका बैक साइड देखेंगे तो ये जगह में भी एक होल है मीन्स ये वैक्यूम भी करता है उसके साथ साथ ब्लोअर फैसिलिटी भी इसमें है अगर आपको कोई भी चीज सक्शन करना है तो उसके लिए आपको ये फ्रंट के तरफ जो बकेट में है तो वो जगह में आपको ये हॉस पाइप को लगाना है सिंपल आपको इसको ऐसे मूव करके बाहर निकाल देना है एंड कनेक्ट करने के टाइम में जस्ट आपको इसको अंदर करना है उसके बाद एंटी घुमा देंगे तो ये लॉक हो जाता है अगर आपको ब्लोअर को यूज करना है हवा बाहर उड़ाना है तो वो जगह में आप ये जगह में उसको कनेक्ट कर सकते हैं तो ये जगह में भी जस्ट आपको इंसर्ट कर देना है उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज घुमा देंगे तो ये लॉक हो जाता है तो जब भी आपको वैक्यूम क्लीनर को निकालना है तो सिंपल ये जो रेड कलर का यहाँ पे एक क्लिप दिया गया है ये जगह में भी आप देख सकते हैं एक क्लिप दिया गया है ये दोनों को आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है उसके बाद आप ये मोटर सेक्शन को बाहर निकाल सकते हैं ये उसका फिल्टर है तो ये फिल्टर को भी आप निकाल सकते हैं तो जब भी आप कुछ गीला वाला कचरा को साफ करते हैं मीन्स वेट गार्वेज आपका क्लीन करते हैं तो उसके बाद ये फिल्टर को आपको क्लीन करना है तो ये फिल्टर को निकालना भी काफी आसान है फिल्टर को क्लीन करने के बाद आपको इसको ड्राई करना है उसके बाद ही ये जगह में ऐसे लगाना है उसके ऊपर आपको ये कैप को लगा देना है उसके साथ साथ यहाँ पे एक डस्ट बैग भी दिया गया है अगर आप कोई भी ड्राई चीज को वैक्यूम करते हैं तो डस्ट जो है ये बकेट के अंदर जमा होता है तो ये मोटर सेक्शन को ना आए इसीलिए हर एक जो वैक्यूम क्लीनर रहता है उसमें एक डस्ट बैग रहता है तो इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं बकेट के अंदर कुछ ऐसे रहता है उसके ऊपर ये डस्ट बैग को रखा जाता है उसके ऊपर ही हमारा ये मोटर सेक्शन को रखा जाता है तो जब भी आपको इसको री करना है सिंपल आप ऐसे ही रख देंगे तो ऊपर इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे तो लॉक हो जाएगा ये दोस्तों मेरा बैक साइड में आप देख सकते हैं ये विंडो में एक मॉस्टो नेट लगा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है मीन्स यहाँ पे बहुत सारे डस्ट है तो इसको मैं ये वैक्यूम में क्लीन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा अगर आप कोई भी ड्राई चीज़ जैसे डस्ट वगैरह हुआ तो उसको क्लीन करते हैं तो ये वैक्यूम क्लीनर कितना इफेक्टिव है तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्लोज लुक दिखाने के लिए आपको कोशिश करता हूँ मीन्स पहले जितना ये डस्ट था यहाँ पे बहुत ही क्लीन हो गया तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं तो एक चीज आपको बताना भूल गया जैसे कि यहाँ पे जो बटन दिया गया है जीरो मिनट्स ये ऑफ है एंड यहाँ पे वन मिनट्स ये ऑन है तो हम चेक कर लेते हैं तो जो भी डस्ट आप इसमें सक्शन करेंगे तो ये मोटर सेक्शन तक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा फिल्टर है तो ये नीचे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे डस्ट आया है जैसे आप क्लोज लुक की ये जगह में देख सकते हैं बहुत सारे डस्ट आया है जितना भी हमारा मस्किटो नेट में लगा था वो डस्ट यहाँ पे आ गया है तो जब भी आप कुछ भी डस्ट को सक्शन करेंगे तो ये जो हमारा क्लॉथ फिल्टर रहता है उसके नीचे ही वो रहता है ऊपर आता नहीं है तो ये मल्टीपर्पज ब्रश को यूज करने के साथ साथ कंपनी यहाँ पे आपको और तीन भी ब्रश प्रोवाइड किया है तो आपका रिक्वायरमेंट क्या अकॉर्डिंग सक्शन या ब्लोअर के टाइम में आप ये तीनों को यूज कर सकते हैं मैं नीचे जो ब्रश है उसको भी चेंज कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो पेपर वगैरह भी है उसको भी ये आराम से खींच लेता है जैसे आप देखे यहाँ पे जितना भी पेपर यहाँ पे जितना भी गार्बेज वगैरह पड़ा था ये सभी को आराम से खींच लिया दोस्तों जब भी आपको वेट वैक्यूम करना है तो उस सिचुएशन में आपको ये डस्ट बैग को निकाल देना है तो इसका वेट क्लीनिंग में कोई भी काम नहीं है अगर आपका घर में पानी गिर जाता है या कोई भी टाइप का लिक्विड गिर जाता है तो भी आप उसको वैक्यूम कर सकते हैं अगर कुछ फैब्रिक भी गंदा हो गया है जैसे सोफा हुआ या कोई भी हमारा चेयर का कवर हुआ अगर वो गंदा हो गया है तो भी ये वैक्यूम में आप उसको क्लीन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे पानी है अगर आपको वेट वैक्यूम करना है तो भी आप आराम से कर सकते हैं मैं आपको यहां पे डेमो दिखा देता हूं तो जैसे आप ये जगह में देख सकते हैं अगर आपको कोई भी सोफा में जो फैब्रिक रहता है उसको क्लीन करना है तो भी ये वैक्यूम क्लीनर से आप कर सकते हैं जस्ट आपको इसमें फोम या लिक्विड जो रहता है क्लीनिंग के लिए वो डालना पड़ेगा उसके बाद ही आप इसमें वैक्यूम कर सकते हैं ये जगह में मैं लिक्विड लगा दिया हूँ तो अभी मैं वैक्यूम करके आपको दिखा देता हूं तो कोई भी फैब्रिक के ऊपर जब आप वैक्यूम करेंगे तो आपको प्रेशरली यहाँ पे वैक्यूम करना पड़ेगा मीन्स यहाँ पे ये क्लीन भी कर देगा उसके साथ साथ जितना पानी भी है उसको भी ये सक्शन कर लेगा तो जैसे आप देख सकते हैं अभी ये काफी क्लीन हो गया तो कोई भी फैब्रिक के ऊपर अगर आपको वेट वैक्यूम करना है तो आराम से आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको अभी कुछ लिक्विड वैक्यूम करके दिखाया तो ये जगह में हम चेक कर लेते हैं इसका फिल्टर जैसे इसका फिल्टर एरिया में भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी लगा है एंड मैं जितना यहाँ पे फिल कर रहा हूँ फिल्टर भी गीला है तो एक बार आपको

अलग सा नॉइज आना चालू हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए पानी जो है इसके अंदर ज्यादा हो गया है तो आपको पानी ड्रेन करना है उसके बाद फिर से वैक्यूम को रन करना है सो गाइस फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्राइस रेंज में ये एक बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है अगर आप इसका सक्शन पावर को देखेंगे या इसका ब्लोअर पावर को देखेंगे तो ये काफी पावरफुल है एक डोमेस्टिक पर्पज के लिए तो ये साइज़ में भी बहुत कंपैक्ट है अगर आप यूज़ करने के बाद घर में कोई भी जगह में इसको रखना चाहते हैं तो आराम से रख सकते हैं एंड हाइट में भी इसको काफ़ी छोटा रखा गया है मीन्स घर में कोई भी सेल्फ में आप इसको आराम से रख सकते हैं तो कंपनी ये वैक्यूम क्लीनर में आपको फाइव मीटर का वेयर देता है इसका हॉस पाइप भी देखेंगे तो काफ़ी लंबा है अगर घर में कोई भी एक सकेट में इसको आप लगा देते हैं तो घर का मैक्सिमम एरिया को आप कवर कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बजट वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट ही रहेगा तो ये वैक्यूम क्लीनर रिलेटेड अगर आपका मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अभी आप हमको फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं तो हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल टिल देन स्टेटिव